मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सेफ्टी टॉक। मैं आज आपको कुछ डेफिनेशंस बताने जा रहा हूँ जो कि एक सेफ्टी ऑफिसर को पता होना चाहिए। मैं इसे बहुत ही शॉर्ट और सिंपल वे में बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं हम इस पिरामिड से जिसमें दिया हुआ है 30,000 अनसेफ फैक्ट और कंडीशन और 3,000 नियर मिस और फर्स्ट एड केस जिसमें 300 माइनर इंजरीज और 30 मेजर इंजरीज लाइक RWC और LTI। RWC मतलब रिस्ट्रिक्टेड वर्क केस और LTI लॉस्ट टाइम इंजरी, एंड ये सब मिलाकर एक फेटल एक्सीडेंट होता है। इसका एग्जांपल भी साइड में दिया हुआ है, व्हील चोक नॉट प्लेस इन एट रियर व्हील ऑफ ट्रेलर। कोई ट्रेलर खड़ा है उसके रियर व्हील मतलब लास्ट में पिछले वाले चक्के टायर में स्टॉपर नहीं लगाया गया है तो क्या हो सकता है, नियर मिस के तौर पे वो ट्रक सडनली पीछे की तरफ मूव कर गया, मूव किया किसी लिफ्ट ट्रक से जाकर वो टकरा गया। तो क्या हुआ उस समय, जब ट्रेलर मूव किया पीछे की तरफ तो ड्राइवर उसका जंप कर गया, जंप किया तो ग्राउंड पे गिरा तो उसके दांत में या फेस में चोट आ गई माइनर, तो उसे रिकॉर्डेबल इंजरीज हो गई। वो भी ये भी हो सकता है कि जब वो जंप किया तो उसके पैर में चोट आई जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया या लेग जो है उसका ब्रेक हो गया, उसे मेजर इंजरीज काउंट करेंगे LTI या RWC में। बट ये भी हो सकता है कि जब वो ट्रेलर पीछे की तरफ मूव किया, ड्राइवर जंप किया तो जो ट्रक पीछे की ओर मूव किया है वो उसके ऊपर चढ़ गया, रोल कर गया, तो फैटल हो सकता है। तो ये एक पिरामिड है जिससे कि हम पूरा ये नियर मिस, रिकॉर्डेबल इंजरीज और मेजर माइनर इंजरीज फैटल इसको समझ सकते हैं। ये एक पिक है जिसमें मैंने समझाने की कोशिश करूँगा कि अनसेफ फैक्ट, अनसेफ कंडीशन, नियर मिस और एक्सीडेंट में क्या डिफरेंस है। जो फर्स्ट पिक है उसमें दिया हुआ है जो स्लिंग जिस पे एंकर की गई है वो सही प्रॉपर कंडीशन में नहीं है तो वो एक अनसेफ कंडीशन है, उसकी कंडीशन सही नहीं मिला वो अनसेफ कंडीशन है। और जो सेकंड पिक है उसमें ये दो महाशय हैं, ये उनके नीचे घूम रहे हैं विदाउट सेफ्टी हेलमेट। पहली बात तो कोई भी लिफ्टिंग हो रही है क्रेन के थ्रू तो उसके लाइन ऑफ फायर में, उसके सराउंडिंग में किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बट ये उसके नीचे तब भी घूम रहे हैं, वो हेलमेट भी नहीं। बट क्या होता है, वो जो मटेरियल लिफ्ट किया गया ऑब्जेक्ट वो इनके जस्ट सामने गिर जाए तो उसे हम नियर मिस बोलेंगे, इनको हार्म नहीं हो बट यदि बच जाए है ना तो उसे नियर मिस बोलते हैं। बट यदि यही ऑब्जेक्ट इनके ऊपर गिर जाता है तो इट विल कंसीडर ए एक्सीडेंट, मतलब इंजरी हो गई, तरबूजा फूट गया। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, जो है हॉट क्लीनिंग वाटर 80 डिग्री सेल्सियस, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का एक हॉट वाटर का पाइपलाइन है, उसका स्प्लिट टूटा हुआ है, ये महाशय जी आए, ये वर्कर जी, उन्होंने क्या किया उसमें होस कनेक्ट करने की कोशिश की, होस तो कनेक्ट कर दिया जैसे तैसे, स्प्लिट तो टूटा हुआ है, टाइट हुआ नहीं, और वॉल्व ओपन कर दिया तो क्या हुआ, उतना प्रेशर, हाई प्रेशर का वाटर था वो उसे होस को बाहर फेंक दिया, जिससे क्या हुआ, यदि इनके जो वाटर है हॉट वाटर इनके कांटेक्ट में नहीं आता है तो ये नियर मिस है, यदि कांटेक्ट में आ गया तो इट विल कंसीडर एन एक्सीडेंट, बर्न इंजरी होगी। एक और पिक है ताकि और क्लियर समझ में आ सके, फोर्क लिफ्ट है, इसके ऊपर जो मटेरियल लोड किया हुआ है वो इम्प्रॉपर है, इनएडिक्वेट है, जिस टाइप से लोड करना चाहिए उस टाइप से नहीं, तो गिरने के चांसेस हैं, तो ये अनसेफ कंडीशन है। बट ये वर्कमैन है, ये उनके नीचे वॉक कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, तो इनके ऊपर गिरने का चांस है तो ये वॉक कर रहे हैं, तो अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। सपोज ये जो मटेरियल है नीचे गिर गया, नीचे गिरा इनके बगल में गिरा, इनके साइड में गिरा तो इट विल कंसीडर एज नियर मिस, बट यही इनके ऊपर गिर जाता तो वो एक्सीडेंट रहता। चलिए अब डेफिनेशन की बात करते हैं, अनसेफ एक्ट क्या होता है, अनसेफ कंडीशन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। अनसेफ एक्ट क्या है, वायलेशन ऑफ कॉमनली एक्सेप्टेड सेफ प्रोसीजर विच में रिजल्ट एक्सीडेंट और इंसिडेंट, मतलब
ऐसा कॉमनली से प्रोसीजर मतलब एसओपी को फॉलो ना करते हुए, हम उसे बायपास करते हुए जब कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसे हम अनसेफ एक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उसमें, जैसे कि एग्जांपल है पीपीएस यूज नहीं करना। पीपीएस जैसे कि बिना हेलमेट के आप किसी भी जहाँ पर हाइट मूवमेंट हो रहा है उसके नीचे आप वॉक करें, आपने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है, हो सकता है चांसेस है आपके ऊपर ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिर जाए तो इंजरी हो सकती है। सपोज आप हाइट वर्क कर रहे हैं, आपने सेफ्टी बेल्ट यूज नहीं किया है, ये भी अनसेफ एक्ट है। वेल्डिंग कर रहे हैं बिना सेफ्टी, बिना उसके गॉगल, वेल्डिंग का जो गॉगल आता है उसके बिना सेफ्टी वेल्डिंग कर रहे हैं, लेग स्लीव यूज नहीं कर रहे हैं, एप्रॉन यूज नहीं कर रहे हैं। अब जैसे दोनों पिक है, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, रेबार पे चल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है रेबार के ऊपर इनका डिसबैलेंस हो तो इन्हें इंजरी हो सकती है। दूसरी पिक है उसमें ये फोर क्लिप, ये जो जॉस है उस पर चढ़ के पता नहीं कुछ मेंटेनेंस कर रहे हैं या नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं, ये भी अनसेफ एक्ट है। अनसेफ कंडीशन की बात करें तो क्या होता है, कंडीशन ऑफ सिलेक्टेड एजेंसी विच कुड और शुड बी शुड हैव बीन गार्डेड और करेक्ट विच लेफ्ट एज इट विल लीड टू एन एक्सीडेंट। मतलब कि कोई भी कंडीशन, कोई भी एजेंसी मतलब कोई वर्क प्लेस है, वो उसकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, गार्डेड होना चाहिए। मतलब कोई मशीन पार्ट है वो गार्डेड होना चाहिए, मूविंग पार्ट, और करेक्टेड, करेक्टेड बोला जाए तो हाउसकीपिंग सही होना चाहिए, गुड हाउसकीपिंग हो, या कोई वायर वगैरह उसके ऑयली सरफेस नहीं होना चाहिए, बट उसे उस कंडीशन में छोड़ दिया गया जिससे वो एक्सीडेंट की तरफ बढ़ावा करे। तो जस्ट एग्जाम्पल इस पिक में ही है, ये एक वर्कमैन है एक काम कर रही है, वहाँ वायर केबल जो है नीचे की ओर फैला हुआ है तो ट्रिपिंग हजार्ड हो सकता है, ऑयल भी गिरा हुआ है, ऑयल या वाटर ये सब गिरा हुआ है फ्लोर पे, उससे क्या हो सकता है, स्लिपिंग हजार्ड हो सकता है। अनसेफ एक्ट भी इस कंडीशन में यहाँ पे है इस पिक में, कि ये वर्कर है विदाउट सेफ्टी हेलमेट लाइन ऑफ फायर में घूम रहे हैं, एक वर्कर है नॉन स्मोकिंग जोन में सिगरेट पी रहे हैं, और एक वर्कर है मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं, सामान लिफ्ट कर रहे हैं, उनका जो जो ऑब्जेक्ट का हाइट है उनके हाइट से अबव है तो उनको सामने कुछ दिख नहीं रहा है। और अनसेफ कंडीशन एक और है कि फायर एग्जिट जो है हमारी, फायर एग्जिट पे पूरे ब्लॉकेज रखे हुए हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी ये लोग भाग के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन, तो जो है नो रिस्क नो एक्सपोजर हाई हजार्ड, मतलब हजार्ड बोलने से कोई भी सोर्स ऑफ सिचुएशन जिसमें पोटेंशियल हो किसी को हार्म करने की। मान लीजिए शेर है एक केज में बंद है, तो शेर तो हजार्ड है ही, बट जो केज है वो बैरियर का काम कर रहा है आपके और शेर के बीच में। अब रिस्क की बात करें तो रिस्क क्या है, यदि आप उस पिंजरे से दूर है तो लो रिस्क, कोई चांस नहीं आपसे कोई शेर से कोई कांटेक्ट होगा। आप पिंजरे के पास चले गए अंदर हाथ डाल लें, मॉडरेट रिस्क, आपको बाइट कर सकता है हार्म कर सकता है, बट आपने पिंजरा खोल दिया खुद अंदर चले गए सही इंसान बन के तो हो सकता है, हो सकता है कंफर्म है, यदि इसको थोड़ी भूख लगी होगी तो आपको वो खा सकता है। तो इस तरह से रिस्क को और हजार्ड को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हजार्ड, हजार्ड का मैंने जैसा ही बताया कि एनी सोर्स ऑफ सिचुएशन विच में हैव पोटेंशियल टू काज हार्म टू द पर्सन, डैमेज टू द प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। मतलब ऐसा कोई भी सोर्स और सिचुएशन कंडीशन जिस जो कि क्या हो सकता है, किसी भी पर्सन को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है या पर्यावरण को हानि पहुंचा सकता है, उसे हम हैजार्ड कहेंगे। हैजार्ड कैटेगरी कौन कौन सी है, फिजिकल हैजार्ड जिसमें कौन कौन से हैजार्ड आते हैं, स्लीपिंग हैजार्ड, ट्रिपिंग हैजार्ड, आपका वाइब्रेशन, नॉइज, हीट रेडिएशन, रेडिएशन है ना, ये सब क्या है, ये फिजिकल हजार्ड है। केमिकल हजार्ड होता है, उसी तरह बायोलॉजिकल हजार्ड होता है, एर्गोनॉमिक हजार्ड भी होता है, तो ये सब हजार्ड के टाइप्स हैं। अब आती है बात रिस्क की, रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एंड इट्स सिवियरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना और उसके परिणाम, परिणाम की गंभीरता के कॉम्बिनेशन को हम रिस्क कहते हैं या जोखिम बोलते हैं हिंदी में। इसका एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई S, P प्रोबेबिलिटी, S सिवियरिटी। ठीक है,
और ये स्पेसिफिक पीरियड और अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के अंदर ही रिस्क से क्या होता है, ऐसा अनडिजायर्ड इवेंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो रिस्क कितने टाइप होते हैं, टाइप भी बोल सकते हैं, लो रिस्क होता है, मीडियम होता है, हाई रिस्क होता है। डेंजर की बात करें, इट एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ एक्सपोजर टू अ हजार्ड, मतलब ये हजार्ड के डिग्री ऑफ एक्सपोजर को शो करता है। यदि हम प्रॉपर हायरार्की ऑफ कंट्रोल का यूज करें, जैसे कि मशीन गार्डिंग करते हैं या उस एरिया को आइसोलेट कर देते हैं, तो डेंजर को रिड्यूस या एलिमिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा डेंजरस ऑकरेंस, एन अनइंटेंडेड ऑकरेंस अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई वर्क को करते समय एक ऐसा अनइंटेंडेड ऑकरेंस क्रिएट हो जिससे कि किसी पर्सन को इंजरी हो जाए, तो वो एक्सीडेंट में कंसीडर किया जाएगा। बट वो इंजरी नहीं होती उस अनइंटेंडेड ऑकरेंस से, तो इट शैल बी ट्रीटेड एज डेंजरस ऑकरेंस, उसे डेंजरस ऑकरेंस बोलेंगे, खतरनाक घटना बोलेंगे। नेक्स्ट है नियर मिस, एन इवेंट नॉट कॉसिंग हार्म बट हैज पोटेंशियल टू कॉज इंजरी और इल हेल्थ, मतलब एक ऐसा इवेंट जिससे किसी को हानि नहीं हुई बट हो सकता है उसमें इतनी पूरी क्षमता थी वो किसी को हानि पहुंचा सकता था। जैसे कि इसी फोटो में देख लीजिए, ये जो ऑब्जेक्ट गिरा हुआ है इसके जस्ट पीछे गिरा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट में तो पोटेंशियल था इन्हें हार्म करने का, बट क्या हुआ कि ये बच गए जस्ट, तो इसे हम नियर मिस बोलेंगे या इंसिडेंट बोलेंगे। इसी तरह सेम इंसिडेंट होता है, इट इज बेसिकली एन ऑकरेंस विच मे और मे नॉट कॉज इंजरी प्रॉपर्टी डैमेज, मतलब एक ऑकरेंस है। नेक्स्ट है हमारा एक्सीडेंट, एनी अनप्लान्ड अनफोर्सेन इवेंट विच मे और मे नॉट कॉज इंजरी टू द पर्सन और डैमेज टू द इक्विपमेंट, मतलब कि सपोज आप हाइट पे वर्क चल रहा है, आप नीचे से वॉक करते हुए जा रहे हैं, कोई उधर से कोई भी स्पाइनर वगैरह किसी वर्कर के हाथ से छूट गया, वो आपके ऊपर आके गिरा, ऐसा होना नहीं चाहिए, बाकी वो आपके ऊपर आके गिरा। सपोज आपने हेलमेट पहना हुआ था तो हेलमेट पे गिरा, तो भी एक्सीडेंट होगा बट क्या होगा कि उसमें इंजरी नहीं हुई। सपोज आपने हेलमेट नहीं पहना, वो आपके ऊपर आपके गिरा, तो क्या हो गया, इंजरी हो गया और एक्सीडेंट भी है। उसके बाद जैसे कि दो पिक है, इसमें क्या हुआ, जो वर्कमैन है ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल कर रहा है, जो ग्राइंडिंग व्हील टूट गई और टूट के कहाँ लगी, उसके सेफ्टी गॉगल पे, तो इंजरी तो नहीं हुई बट एक्सीडेंट है। इसी तरह सेकेंड वाला है, इसमें क्या हुआ, गियर के बीच में इनका हाथ फंस गया जिससे इंजरी हो गई। ठीक है, मतलब इनका हाथ क्रश हो गया दो गियर के बीच में। इसी तरह इंजरी की बात करें, इंजरी क्या होता है, जब इंजरी इतनी बात हो ही रही है तो इंजरी के बारे में भी जान लेते हैं। इंजरी क्या होती है, रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट होती है, विच एंड विद द इन द पेन एंड लॉस ऑफ पार्ट ऑफ एक्सीडेंट, मतलब जो भी पर्सन जिसे चोट लगी है उसका अंत क्या होता है इंजरी का, उसे दर्द होगा या उसके किसी बॉडी पार्ट का लॉस हो जाएगा, बट कोई भी इंजरी माइनर या मेजर नहीं होती है, वो एक एक्सीडेंट के ही रूप रहती है। जैसे इस पिक में फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट है, इनके पैरों पे जो एक ऑब्जेक्ट है इनके ऊपर गिर गया है। ठीक है, अब पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है जो ये आवाज निकाले हैं, हो सकता है मम्मी पापा को याद कर रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी, इमरजेंसी कुड बी डिफाइंड एज सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी पर्सन और प्रॉपर्टी की सेफ्टी को खतरा होता है। ठीक है, तो उसे हम इमरजेंसी कहते हैं या आपातकाल। इमरजेंसी प्लान होता है, यदि इमरजेंसी है तो इमरजेंसी प्लान क्या है, रिटर्न फॉर्मल रिटर्न प्लान होता है, उसमें हम सब कुछ मेंशन करते हैं कि हमारे प्लांट प्रीमाइसेस इंस्टॉलेशन में क्या पोटेंशियल हैजार्ड है, उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसे डिस्क्राइब करते हैं और ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि इस हैजार्ड और कॉन्सिक्वेंस को हैंडल कैसे करना है हमें। ये दो टाइप के होते हैं, ऑन साइट और ऑफ साइट। सबसे पहले ऑफ साइट को देखते हैं, ऑफ साइट क्या होता है, ये इट डील विद द मेजर एंड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल इमरजेंसीज अफेक्टिंग पब्लिक एंड द एनवायरमेंट आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी, मतलब कि आपके प्लांट में कोई गैस लीक हो गई, लाइक सीओ गैस ही है, 50 ppm उसकी लिमिट होती है,
सपोज वो गैस लीक हो गई, तो गैस है तो लीक होकर बाहर भी जाएगी तो पब्लिक को इफेक्ट करेगी, तो उसके लिए हम ऑफसाइट इमरजेंसी प्लान बनाते हैं। बट जब हम इसे बनाते हैं तो गवर्नमेंट अथॉरिटी को हम सब बताते हैं कि हमारा ये प्लान है, ये हमारे प्लांट के अंदर हजार डस गैस है या केमिकल है, इससे ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारी हेल्प करती है, उनकी जानकारी में होता है। ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, इसमें क्या होता है, ये प्लांट प्रीमाइसेस के अंदर के लिए इस्तेमाल होता है, तो सेम होता है दोनों, बट वो प्लांट के बाहर या प्लांट के अंदर के लिए। डेफिनेशन नेक्स्ट क्या है हमारी ऑक्यूपेशनल डिजीज की, ऑक्यूपेशनल डिजीज आर द डिजीज अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। तो मतलब जो ऑक्यूपेशन, मतलब आपके ऑक्यूपेशन की वजह से जो डिजीज आपको हो सकती है उसे हम ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं। इसमें 29 ऑफ नोटिफाइबल ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है, लाइक सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ऐसे हमारे एंथ्रेसिस, इस टाइप की टोटल 29 डिजीज होती है, जिनके बारे में आपको हम आने वाले वीडियोस में विस्तार से बताएंगे, मतलब ब्रीफली हम इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।